मुंबई में कर्नाक रोड ओवरब्रिज गिराया जाएगा, जिसके चलते मध्य रेलवे मुंबई मंडल में 27 घंटे का जंबो ब्लॉक दिया जाएगा। मध्य रेलवे मुंबई मंडल ने अपने उपनगरीय लाइन सीएसएमटी और मस्जिद स्टेशन के बीच ब्रिटिश काल के बने हुए कर्नाक रोड ओवरब्रिज को तोड़ने के लिए 19 से 20 नवंबर तक 27 घंटे के जंबो ब्लॉक की घोषणा की है। इस दौरान हार्बर लाइन पर सीएसएमटी और वडाला स्टेशन के बीच लोकल ट्रेनों का संचालन बंद रहेगा। इस विशेष ब्लॉक की वजह से सीएसएमटी और भाईखला के बीच मेन लाइन पर कोई भी स्थानीय और लंबी दूरी की ट्रेनों का आवागमन नहीं होगा। सीएसएमटी और मस्जिद स्टेशन के बीच 6 रेलवे लाइनों को ब्लॉक किया जाएगा, जिससे ट्रेनों का आवागमन बंद रहेगा। बता दें कि मध्य रेलवे के मुंबई उपनगरीय नेटवर्क पर लगभग 1800 से ज्यादा लोकल ट्रेनें चलती हैं, जिनमें हार्बर और मेन लाइन भी शामिल है। ये दक्षिण मुंबई में सीएसएमटी से होकर गुजरती है। एक अनुमान के अनुसार इस विशेष ब्लॉक की वजह से मध्य रेलवे की उपनगरीय ट्रेनों के साथ बाहरी ट्रेनों से यात्रा करने वाले लगभग 37 लाख से ज्यादा यात्री प्रभावित होंगे। आपको बता दें कि इस पुल को तोड़ने का प्लान पहले ही बना लिया गया था, जिसके लिए नवंबर 2022 का समय निश्चित किया गया था। पुल का पुनर्निर्माण का काम 20 जून 2024 तक पूरा करने की जानकारी मिली है। ये पुल 1866 से 67 में बनाया गया था। पुल की जर्जर हालत को देखते हुए इसे अगस्त 2014 से भारी वाहनों के लिए दूर रखा गया था। इसके बाद नवंबर 2018 में इसे यातायात के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।